लेकिन सवाल ये पूछेंगे या, या, या। सबसे पहले सवाल आप ही पूछेंगे क्यों चलिए हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आज नेशनल अवार्ड में हम क्या कहेंगे कैसी फीलिंग आई और बाजीराव मस्तानी ने बहुत सारे अवार्ड जीते देखो खुशी के अलावा और क्या फीलिंग हो सकती है खुशी होगी इतनी मेहनत की है 12 साल से एक सपने को वो पकड़ के रखा है उसको पूरा किया उसको बहुत मेहनत से पूरा किया बहुत दिल से बनाई बहुत कमाल की सब टीम जो मिली थी टेक्नीशियंस एक्टर्स हीरोज जिन्होंने इतना पैसा लगाया तो बहुत ही मुश्किल फिल्म थी मेरे लिए उन लोगों के लिए तो सब लोगों ने मिल के मेहनत से बनाई है तो नेशनल अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी की बात है और एक नहीं मुझे ये तो मेरा पहला नेशनल अवार्ड है पर 5 अवार्ड्स मिले तो सच में बहुत खुशी की बात है इसके अलावा सर बाजीराव मस्तानी ने आज 100 दिन पूरे कर लिए थिएटर्स में तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह की सक्सेस है ये आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस आज के दिन में आज की तारीख में 100 दिन पूरे करने जो नॉर्मली एक वीकेंड दो वीकेंड तीन वीकेंड का खेल होता है तो ये फिल्म में कुछ बात होगी जो लोग बार बार देखना चाहते हैं देख रहे हैं और दुनिया भर में देख रहे हैं ओवरसीज कलेक्शन बहुत कमाल था पॉपुलर अवार्ड्स बहुत अच्छे मिले और ये नेशनल अवार्ड भी मिल गया सोने पे सुहागा तो भगवान से और कुछ नहीं मांग सकते मतलब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एज अ फिल्म मेकर बहुत ही बेहतरीन दौर है और आई रियली थैंक गॉड एंड ऑल द पीपल एंड ऑल द ऑडियंस हु ऑलवेज लव मी कोई भी विवाद नहीं था कौन सा विवाद था देखिए ये विवाद तो होते रहते हैं रिलीज के पहले कई लोग आके अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं बिना देखे बिना समझे बिना सोचे कभी कभी खुद के इम्पोर्टेंस के लिए कभी कभी तकलीफ देने के लिए पर मुझे लगता है कि पहले काम को देखना चाहिए अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद उसके ऊपर हमको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए तो लीजिए अंडरस्टैंडेबल पर मेरे साथ ये हुआ है रामलीला में और बाजीराव मस्तानी में कि लोगों ने पहले बहुत शोर मचा दिए बहुत ऑब्जेक्शन लिए स्लोगन्स देते ऑफिस के बाहर वगैरह 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 पर मुझे लगता है कि पिक्चर देखने के बाद सब लोगों को समझ में आता है कि ये तो इंटेंशन सही है एफर्ट सही है काम ऐसा हमने पहले देखा नहीं है और स्पेशली बाजीराव के केस में मतलब पिंगा पहुँचा लोगों तक फोक पहुँचा पहले उस गाने के ऊपर बहुत विवाद हुआ फिर लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारा फोक है जो दुनिया भर में अभी लोग देख रहे हैं पिंगा को या ब्राह्मण्स को लगा कि ये उनको नाचना नहीं चाहिए बाजीराव साहब को तो वो तो सब सॉल्व हो गया जब पिक्चर देखे तो करेक्ट हो गए वो सब चीज़ें लेकिन वो सब विवाद अपनी जगह पे जब ये एक ऐसा पल आता है जब आपको एक साथ 5 नेशनल अवार्ड मिलते हैं और आपका पहला डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है नेशनल अवार्ड तो ये सारे विवाद ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्थ इट है बिकॉज दैट इज़ द मोमेंट दैट यू लिव फॉर सो इट्स वंडरफुल और सर रणबीर दीपिका प्रियंका और आपके घर वालों से क्या कुछ रिएक्शन उनसे कुछ बात हुई अगर आप हमें बताना चाहें अगर कुछ सब खुशी के अलावा और क्या रिएक्शन देंगे मतलब हम बहुत खुश हैं आपके लिए या गले मिल के जाएंगे या आके मिलेंगे आपको ये बोल के और कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता माँ खास करके बहुत खुश है उनका बहुत दिल से सपना था कि मुझे नेशनल अवार्ड मिले एज ए डायरेक्टर तो पहले ब्लैक में था मुझे लगता है होलसम एंटरटेनमेंट था या एज ए प्रोड्यूसर मिला या मेरी कॉम में मिला बट ये बहुत खास है मेरे लिए तो वो बहुत खुश है ये देख के कि उनको ये बाजीराव में कहते हैं वो सब कुछ मिल गया तो उनको लोगों का प्यार मिला बॉक्स ऑफिस मिला पॉपुलर अवार्ड्स मिले सो इन सो मेनी वेज इट्स क्या बोलते हैं मेरे जिंदगी के एज अ फिल्म मेकर जो 25 साल काम किए उस मेहनत को मुझे लगता है फाइनली अभी कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर जो जब आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जब आपने किया था तब आपने सोचा था कि आज यहाँ तक ये सब होगा और हम यहाँ नेशनल अवार्ड तक बात आएगी और इस तरह से आप जो फिल्में लाते हैं कुछ नहीं वो उस वक्त तो फिल्म मिलेगी कि नहीं ये सोचता था जब वो विनोद चोपड़ा साहब के लिए मैंने जब गाने किए 1942 लव स्टोरी के लिए तो गाने डायरेक्ट करने के बाद पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए मिलेगी कि नहीं वो मालूम नहीं था और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तो सवाल ही नहीं उठता कि इंसान प्रेडिक्ट करे हाँ ये सोच के रखा था कि कहीं ना कहीं ये जाके वहाँ पर मैं वो मकाम पाऊँगा वो मकाम मतलब वो किस्म की फिल्म जो मेरे माइंड में है चाहे वो इस वक्त उस वक्त सोचना कि मैं इतनी 50 करोड़ की फिल्म बनाऊँगा या 150 करोड़ की फिल्म बनाऊँगा वो सोचना उस वक्त नहीं था पर था कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूँगा जिसमें शायद लोगों को याद रहे तो मुझे लगता है ऐसा किया है 25 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए खामोशी से लेके यहाँ तक तो बहुत लंबा सफ़र है लेकिन मज़ेदार है
मुश्किलें हैं, अवार्ड्स है, सक्सेस है, फेलियर है, सब कुछ है इसमें. प्यार मिला है, हेट्रेड मिला है, क्रिटिसिज्म मिला है, तो सब कुछ मिला है. तो इट्स अ वेरी कंप्लीट करियर एज फार एज आई एम कंसर्न एंड आई हैव एंजॉयड एवरी बिट. इन दिस बाजीराव मस्तानी जर्नी ऑफ योर्स, व्हाट वाज मोस्ट डिफिकल्ट, डायरेक्टिंग द फिल्म और कंपोजिंग द म्यूजिक? बोथ. कंपोजिंग मतलब आप सोचो कि इस फिल्म में बाजीराव गा नहीं सकते, काशीबाई गा नहीं सकती है, मस्तानी गाएगी तो किसम भी गाएंगी तो वो एल्बम क्या हो सकता है. लेकिन 10 से 10 गानों को बहुत लोगों ने पसंद किया, अलग अलग तरीके से क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी, वो आज की तारीख में चलाना या चलना कई लोगों को लगा नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता. तो वो भी बहुत मज़ेदार था, वो बहुत मज़े लिए मैंने. और फिल्म में वॉर सीन्स थे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले कभी की नहीं थी. तो मुझे ये फिल्म बनाते हुए भी बहुत मजा आया. तो आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ मेकिंग दिस फिल्म. बेसाइड्स बीइंग अ गुड कंपोजर, आर यू आल्सो अ गुड सिंगर? नहीं. सो हाउ डू यू डेमोंस्ट्रेट? तो जो मुझे आता है टूटा फूटा मैं पहुंचा देता हूं लोगों तक, वो समझ जाते हैं. अच्छा अच्छा समझ गया. अच्छा इसके अलावा हमने देखा अमित जी को और कंगना को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्हें क्या विश करें? कुछ विश आपके नहीं मुबारकबाद देंगे और क्या देंगे. मतलब मुझे लगता है कि अमित जी को अवार्ड मिलना मतलब कोई नई बात नहीं है, और वो ऐसा काम करते रहेंगे अगले 10 साल 15 साल और अवार्ड लेते रहेंगे. वो बहुत ही कमाल की शख्सियत है और हम बहुत मानते हैं उनको, उनके गुण को बहुत मानते हैं, उनकी टैलेंट को बहुत मानते हैं. और कंगना है ही कमाल की, मतलब इन ओन वे. ऑफकोर्स इन माई डीप इन माई हार्ट एज द डायरेक्टर ऑफ बाजीराव, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ बाजीराव मस्तानी, I would have loved Deepika or Priyanka to have won it, because Deepika ka performance bahut hi splendid, bahut hi special. Priyanka ka performance bahut hi special. But agar jury ko laga ki Kangana ka hai to Kangana ne bhi bahut kamal kaam kiya hai, to usme koi do raaye nahi ki kisi sahi insaan ko nahi mila ya galat insaan ko mil gaya. But I am very happy for Kangana, but I would have from deep down wished that maybe Deepika or Priyanka would have won it for कंगना के साथ में. हम आप कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे इन फ्यूचर या ऐसे कुछ अब प्लान फ्यूचर है? में तो किसी को कुछ नहीं मालूम क्या होता है कल क्या होगा उसको पता, मतलब वो प्लानिंग क्या मालूम वो देखेंगे आगे. सर 5 अवार्ड एक साथ मिलने के बाद सर आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए सर कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियाँ मतलब ये मिल गया, ये मेहनत की, ये मिल गया, ये कुछ सही चीज़ें हो गई, सही टैलेंट आ गई, सही लोग मिल गए. बट ये हर वक्त होगा, इसी कोई गारंटी नहीं होती. उतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं करता रहता हूँ. मैं मेहनत के अलावा और कुछ नहीं करता, तो फिल्म के बना अलावा और कुछ नहीं करता. तो जिम्मेदारी नहीं होती है, मैं अपने फ्रीडम से अपनी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट अवार्ड्स के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ. ना मैं बॉक्स ऑफिस में बहुत चल जाए और रिकॉर्ड हो जाए उसके लिए फिल्म, लोगों को पसंद आ जाए उसके लिए फिल्म बनाता हूँ. तो अभी कल टीम इंडिया को भी मिली है, तो जो टीम इंडिया जीती है कल उसके लिए क्या विश करेंगे और पूरी टीम के लिए अगर आप कुछ कहना? ये बहुत खुशी की बात है वो, और वो यही विश करेंगे कि जीत जाए फाइनल और क्या. और बहुत ही ग्रेट टीम है, और विराट साहब तो बहुत कमाल का खेल रहे हैं, तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और देखते हैं फाइनल, मुझे हम ही जीतेंगे. डू यू फील दैट लास्ट क्वेश्चन विद द वे बाजीराव मस्तानी इज आल्सो परफॉर्मड इंटरनेशनली इन द अब्रॉड द मार्केट अब्रॉड, डू यू थिंक दैट यू आर एबल टू ब्रिंग इन अ चेंज, यू नो हाउ बॉलीवुड फिल्म्स आर सीन इंटरनेशनली और अब्रॉड? नहीं, मुझे नहीं होता. मुझे लगता है कि देवदास में भी लोगों ने बहुत उसको सराहा, आज भी लोग देवदास को अब्रॉड में, यूरोप में, हर जगह पे इंटरनेशनल सर्किट में बहुत याद करते हैं. बाजीराव को भी करेंगे, मगर कम्युनिटी के साथ गेटिंग रिलीज्ड ओवर देयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. बट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए होता है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारे लोगों को पसंद आया कि नहीं, मेरे ऑडियंस जो यहाँ है उनको पसंद आया कि नहीं. दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी मोर देन द इंटरनेशनल अक्लेम फॉर द फिल्म. Do you plan any celebration or any kind of party? No celebration, I don't know. Thank you. Thank you so much.